गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो बात की थी वो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट की बात की थी। व्हाट इज मनी, उसके बारे में बात कर ली थी। मनी को मीडियम एज एक्सचेंज हम लोग कैसे यूज करते हैं वो बात की थी। जब तक मनी इन्वेंट नहीं की थी तो मनी जो सिस्टम यूज करते थे इन द सेंस ऑफ द मनी, तब बार्टर सिस्टम जो था उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। फिर बार्टर सिस्टम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वो सारी बातें डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम लोगों ने मॉडर्न मनी को इंट्रोड्यूस कर लिया था। अब मॉडर्न मनी जो आप लोगों ने एज अ मीडियम यूज करना स्टार्ट किया तो उसको ही हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां जाते हैं वो 2000 का नोट चल जाता है, जहां जाते हैं 500 का नोट चल जाता है, तो वो क्यों हम लोग उसको एज अ मीडियम यूज कर पाते हैं। सबसे पहली बात, ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आपका जो 500 का नोट, 200 का नोट, कॉइन्स जो भी है आपके, वो ऑथराइज कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो आपके 1-2 के छोटे नोट हैं प्लस कॉइन्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, और जितने भी आपके 10 के, 20 के, 50 के, 100 के जितने और नोट हैं वो सारे आपका RBI इशू करता है विद द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर, कंट्रोल्ड बाय RBI। अब आपकी कितनी मनी पब्लिश होनी है, कितने नोट आप लोगों के पास होने चाहिए, वो सारा डिसीजन या उसको चीज को कंट्रोल कौन करेगा? RBI मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सबको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये दो चीजें इन्वॉल्व होंगी आपके मनी से रिलेटेड मैटर में, तब नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी, तब आपकी मनी को कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। मना कैसे नहीं कर सकता? लास्ट आप लोगों ने वीडियो में तब भी हम लोगों ने देखा था कि जो आपके पास मनी होगी उसकी खुद की मॉनेटरी वैल्यू होगी। खुद की उसकी एक वैल्यू कैसे थी कि अगर 10 रुपए का नोट है, चाहे वो नया है या पुराना है, वो अपनी वैल्यू 10 रुपए ही रखेगा। नया नोट है तो वो 12 में नहीं चलेगा, पुराना नोट है तो वो 8 रुपए में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ऑथराइज कर दिया है। यूज फॉर द मेज ऑफ द वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है नोट की, वो उसके अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा। किसी और को परमिशन नहीं है कि वो कोई भी इंडिविजुअल, नो वन इशू द ओन नोट। जैसे पहले एम्परर लोग होते थे, राजा लोग होते थे, वो क्या करते थे? अपने कॉइन्स को इशू कर देते थे अपने टाइम पीरियड में। बट यहां पर नोट को जो इशू करेगा आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर आपकी RBI उसको इशू करेगी, वो कंट्रोल करेगी उस चीज को। नेक्स्ट, जब आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? आपकी मॉडर्न मनी की एक फॉर्म होगी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आप उस टाइम बोलोगे, डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन द डिमांड, दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। मतलब क्या है कि एक पर्सन है ए, वो अर्न करता है 40,000 rupees पर मंथ, बट उसका फैमिली एक्सपेंडिचर जो है वो 30,000 rupees है। अब उसके पास जो 10,000 rupees बच चुके हैं वो उसको अपने पास घर में ना रख के अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा, बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। जिसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्लियर? कैन बी विड्रॉन। अब उसने वो 10,000 rupees हर मंथ वो जमा करवाता है, एवरी मंथ डिपॉजिट करवा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कोई इमरजेंसी आ गई तो उसको अपनी मनी वापिस चाहिए। कैन बी विड्रॉन ऑन द डिमांड, जिस टाइम चाहिए वो उसी टाइम उसको विड्रॉ करवा सकता है। डिपॉजिट आर कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट, और ये सारी चीजें, ये प्रोसेस आपका मॉडर्न मनी का क्या कहलाएगा? डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट जो आपका मेन टर्म है इस चैप्टर में वो चेक। अ चेक इज अ पेपर, सबसे पहली बात, चेक जो है वो क्या है? आपका एक पेपर है। पेपर क्या है? इसके ऊपर चेक का नंबर लिखा होगा, इसके ऊपर जो नाम पे लिख के, पे जिसके नाम पे चेक बना होगा वो लिखा होगा, आपके राइट हैंड साइड में डेट मेंशन होगी, जो अमाउंट आपको पे करना है किसी को वो उस बॉक्स में लिखा होगा। आप फिर ये क्या है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक
अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू पर्सन हूज नेम द चेक हैज बीन मेड, मतलब कि जो ये ए पर्सन है इसको किसी बी को पैसे देने हैं, ठीक है, बट उसके पास वो कैश मनी नहीं है। अब वो क्या करता है, जिस टाइम उसने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था उसको पासबुक के साथ एक चेक बुक भी मिली थी, उसमें से वो चेक लेगा और चेक क्या करेगा, बी के नाम पे चेक देगा, रुपए कितने दे रहे हैं 5,000 रुपए, उसके ऊपर मेंशन कर देगा पे टू बी 5,000 रुपीज और अपने सिग्नेचर करके बैंक को देगा फ्रॉम द पर्सन। अब वो क्या कर रहा है, जो यहां पर डिमांड डिपॉजिट से जब वो विड्रॉ करेगा वो खुद जाएगा, यहां वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे देगा, किस स्पेसिफिक पर्सन के नाम से उसने चेक बना दिया और वो बैंक तक जाएगा। अब वो सारी इंस्ट्रक्शन किसको दे रहा है, बैंक को देगा, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है चेक पर लिखकर वो बैंक को दे रहा है कि मैं इस स्पेसिफिक पर्सन को पैसे देने हैं, इतना अमाउंट दे रहा है, तो अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बैंक की है, वो चेक करके उस पर्टिकुलर आदमी को, उस स्पेसिफिक पर्सन को वो मनी दे देगा, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं लोन एक्टिविटीज। अब जब हम लोगों के पास एक बैंक जैसी चीज आ गई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था यहाँ पर काम कर रही है बैंक जैसी, तो वो किस लिए काम कर रही है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब क्या करते हैं, जब किसी को पर्सन को पैसा चाहिए तो वो क्या करता है, जो लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करवा रखा है वो बैंक के पास जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आएगा कि जो लोग पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं वो बैंक क्या करता है उस पैसे का, बैंक क्या करेगा, किसी और को वो क्या कर देगा, कोई बोरोवर आएगा वो उसको डेप्ट पे पैसा दे देगा। अब वो क्या है, क्रेडिट करेंगे लोग, उससे पैसा लेंगे। क्रेडिट इज अ रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच, यहां देखना है, एक एग्रीमेंट है, वो क्या है, एक एग्रीमेंट है इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट विद इंटरेस्ट। अब क्या है, जब हम क्रेडिट की बात करते हैं, उधारी की बात करते हैं, उसमें क्या होगा, एक आपके पास बोरोवर है, एक लेंडर है, जो लेंडर बोरोवर को पैसा देगा, वो पैसा देगा किस चीज के साथ, एक प्रॉमिस के साथ, प्रॉमिस किसका, इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद ये जो बोरोवर है उसको पैसा लेंडर को वापिस करना पड़ेगा, बट कैसे करेगा, विद इंटरेस्ट पे करेगा, क्लियर। पैसे का लेन देन कैसे होगा, एक एग्रीमेंट होगा, क्रेडिट जो है क्या होता है, एक एग्रीमेंट है किसमें, बोरोवर और लेंडर के बीच में, वो क्या प्रॉमिस है, इन फ्यूचर आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, और रिटर्न कैसे करोगे, विद इंटरेस्ट पे करोगे, क्लियर। अब वो कैसे करेंगे, आपको क्या देखना है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अपने लोगों के पास एक बैंक है, जो ये बैंक है, ये बैंक, बैंक क्या करता है, यहां पर डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर कौन है, ए, वो गया बैंक के पास अपना पैसा जमा करवा दिया, ठीक है। इधर अपने पास कौन है, एक बोरोवर है, बोरोवर कौन है, बी, वो भी बैंक के पास गया और बैंक से उसने पैसा क्या ले लिया, अपना पैसा उधार ले लिया। अब क्या करता है, डिपॉजिटर जो है एनी टाइम विड्रॉ करवा सकता है, एनी टाइम विड्रॉ, और बोरोवर के पास क्या है, फिक्स टाइम टू रीपे, क्लियर। अब डिपॉजिटर को क्या करता है, आपका बैंक इंटरेस्ट देता है, बट वो इंटरेस्ट कैसा है, लो इंटरेस्ट। अब इससे क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, वो क्या होगा, हाई इंटरेस्ट, क्लियर। अब आपके लो इंटरेस्ट और आपके हाई इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, आपके बैंक की इनकम है, क्लियर। यहां डिपॉजिटर ए है, अपना पैसा जमा करवाया, बदले में बैंक ने उसको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट क्या था, लो था उसका, और उसको पैसे कभी भी वो अपने पैसे विड्रॉ करवा सकता है। दूसरी साइड जो बोरोवर है, बोरोवर क्या कर रहा है, आपका
प्रिपेयर करना है और जो भी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो भी है वो क्या करना है, आपके बैंक की इनकम होगी. द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द बैंक. क्लियर. जो चार्ज किया उसने बोरोवर से और जो उसने डिपॉजिटर को पे किया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, आपके बैंक की इनकम है. क्लियर. अब यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे ए का लिया तो मैं यहां पर एग्जांपल इसका नाम हर्ष रख सकते हैं या पवन बोरोवर का नाम रख सकते हैं. ऐसे हम लोग किसी का भी एक पर्टिकुलर का नाम रख के उसको कर सकते हैं. फिर क्या बात करते हैं, आपको लोन लेने की नीड क्यों होती है, कुछ उसके बेनिफिट होंगे तभी आप लोन ले रहे हो. हेल्प द पीपल टू बिल्ड होम. अब जो है बैंक किसी को लोन देता है तो वो क्या बेनिफिट होता है उसका, जो लोग हैं अगर किसी को अपना घर बनाना है तो वो घर बनाने में हेल्प करेगा. सेकंड नंबर पे एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, किसी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसके लिए भी वो हेल्प करता है. फार्मर्स कैन ग्रो क्रॉप्स. अब फार्मर्स को न्यू पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जो उसको सीड्स चाहिए, उन सब के लिए भी वो कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले सकता है. यहां तक क्लियर. ये तो सब चीजें थी कि उसको बेनिफिट क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं आपकी जब आपका कोई पर्सन बैंक से लोन लेता है. सबसे पहले किसी को घर बनाना है, टू बिल्ड अ होम, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फार्मर्स कैन ग्रो क्रॉप्स. बट इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब आप बोरोवर बैंक से कोई लोन लेगा तो उसको जब वो रीपे करेगा वो हाई इंटरेस्ट के साथ उसको रीपे करेगा. रिक्वायरमेंट, सेकंड मेन जो डिसएडवांटेज है इसकी, उसको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एक कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस किसी सिक्योरिटी की नीड होगी. सिक्योरिटी नीड क्या होगी, उसकी बिल्डिंग होगी, उसकी लैंड होगी, कोई भी एसेट जो है बोरोवर के पास होगा तभी बैंक उसको लोन देगा. और इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है बैंक लोन की, ये लोन आपके पुअर लोगों के लिए नहीं होता. थैंक यू स्टूडेंट्स. इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी देखा उसकी हम लोग बात कर ली कि कैसे आपकी डिमांड डिपॉजिट काम करता है, क्या चेक होता है, फिर उसको आप बैंक से कैसे पैसा विड्रॉ कर रहे हो, कैसा बोरोवर वहां से लोन लेता है. ये सारी बात करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होंगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज की बात करेंगे, SHG ग्रुप की बात करेंगे और RBI की बात करेंगे. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर.